हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे आरयू एसएचडीओ एंड एसडीओ के बारे में बात करेंगे कि जो आपके पास ये 45 दिन बचे हुए हैं इसका कितने अच्छे से सदुपयोग किया जाए वहाँ पे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है यहाँ पे। तो स्टार्ट करता हूँ सेशन को। स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मैं एक पोएम सुनाता हूँ जो बहुत ही अच्छी पोएम है और आप लोगों को एक मोटिवेट करने का वहाँ पे काम करेगी। चलिए, पद भी कभी भटकाएगा, कुछ भी समझ ना आएगा, ईर्ष्या छल से सनापत अनगिनत बांधा लाएगा, तभी ही का नक्शा खोल कर खुद को उसी की राह पर मोड़ कर, हार डर भय के धनुष से तीर सा तू बढ़ निकलना, देखती है तुझको मंजिल तू बस उसी की ओर चलना, तू बस उसी की ओर चलना। तो ये पोएम आपके लिए थी। अब जो 45 दिन में बता रहा हूँ इसको ध्यान से सुनिए, यहाँ पे इसका कैसे उपयोग करना है। सबसे पहली बात, एग्रीकल्चर को जितना अच्छा आप लोगों ने कर लिया है उतना और अच्छा कीजिए वहाँ पे, क्योंकि एग्रीकल्चर 100 नंबर का है और उसमें यदि 70-80 नंबर भी आपके आ जाते हैं तो एक आपके पास एक अच्छा बैकअप वहाँ पे बनता है, वहाँ पे कि नहीं आगे और अच्छा वहाँ पे कर सकते हो। अब रहा बात, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को बताया था, मैथमेटिक्स भी बताया था, रीजनिंग भी बताया था, इंग्लिश भी बताया था और हिंदी भी बताया था। होपफुली आप लोगों ने कंप्लीट कर लिए होंगे। सपोज दैट यदि अभी भी आपने कंप्लीट नहीं किए हो तो सबसे पहले इनको प्रायोरिटी दीजिए वहाँ पे, है ना। उसके बाद आप आ जाइए जीके पे आ जाइए और साइंस वगैरह पे आ जाइए और कंप्यूटर पे आ जाइए। तो जीके और साइंस की बात करूँ तो देखो, जीके में क्या होगा, जो भी कैबिनेट वगैरह है रिसेंटली की कैबिनेट में देखना और फर्स्ट कैबिनेट कौन थे वहाँ पे, कि पहले जो मुख्यमंत्री कौन थे मध्य प्रदेश के वहाँ पे, ना इस प्रकार से। तो अभी क्या होगा, यहाँ से भी क्वेश्चन अराइज होते हैं जो आपको हेल्प मतलब एग्जाम में बुस्टअप वहाँ पे करेंगे, है ना। और साथ ही साथ जो भी महल वगैरह है इनको भी वहाँ पे देख लेना, क्या क्या महल वगैरह ना, तो इस प्रकार से देखिए वहाँ पे। तो एमपी जीके को इस प्रकार से कंप्लीट कीजिए। अब रहा बस साइंस की मैं बात करूंगा, तो साइंस में जो लूसेंट आपके पास हो गए तो लूसेंट में जो साइंस वाला चैप्टर है ना तो उसको अच्छे से कंप्लीट करना वहाँ पे, है ना। अब साइंस पे आप लोग आ जाइए, पहले मैंने मना बोल दिया था लेकिन आप यहाँ पे आ जाइए। आप लोग कंप्यूटर में भी लूसेंट में आपके पास दिया होगा, एक छोटी सी आती है ना लूसेंट, करीबन 120 रुपीज की आती है, तो उसको वहाँ पे देख लेना। या तो आपके पास रेलवे एसपीडी हो गई है ना, तो रेलवे एसपीडी में भी क्या रहता है, जो जीके वगैरह रहता है, सॉरी जीके नहीं बोलना चाहूंगा, जो साइंस वगैरह बोलना चाहूंगा, साइंस और कंप्यूटर यदि रेलवे एसपीडी है आपके पास तो उसको भी अच्छे से कंप्लीट करना है, क्योंकि क्या होता है कभी कभार एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन वहां से बन जाएंगे जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो ये तो मैंने बता दिया आपको सी सेट को, लेकिन ध्यान रखना है कि जो प्रीवियस आप लोगों ने जैसे मैथमेटिक्स रीजनिंग इंग्लिश से पढ़ चुका है तो आप टारगेट बनाओ कि डेली मिस का एक टॉपिक जैसे आपने किया तो सबसे पहले उसको देखो, अपनी कॉपी में देखो कि जिसके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लो। कॉन्सेप्ट जब आप लोगों ने क्लियर कर लिया वहाँ पे तो फिर प्रैक्टिस पे आ जाइए, वहाँ पे प्रैक्टिस कीजिए, वहाँ पे करीबन 10-12 क्वेश्चन डेली लगाओ। ऐसा नहीं कि करीबन 40-50 क्वेश्चन लगा रहे, 10-12 क्वेश्चन बहुत है वहाँ पे, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे, मतलब आएंगे भी ना एग्जाम में 14-15 क्वेश्चन आएंगे वहाँ पे, तो यदि आपको 10 क्वेश्चन में बन जाते तो बहुत है वहाँ पे, है ना। और रहा बात जो भी मॉक टेस्ट वगैरह आप लगा रहे हैं वहाँ पे, सपोज को एग्रीकल्चर के मॉक टेस्ट है, जो भी आपके पास सोर्स वगैरह रहे हैं जहाँ से भी आपने परचेस किए हैं, तो उसको यदि आप लगा रहे हैं वहाँ पे तो यदि नंबर कम भी आते हैं ना तो कोई दिक्कत नहीं वहाँ पे, क्योंकि क्या होता है ना कि एग्जाम का लेवल और जो टेस्ट का लेवल रहता है ये पूरी तरीके से क्या रहता है, अनप्रिडिक्टेबल रहेगा, कोई इसको जज नहीं कर सकता है वहाँ पे कैसा। हाँ, बट क्या रहता है कि एक हमारी एक मेमोरी बेस्ड जो भी पेपर वगैरह रहता है तो हमको एक बुस्टअप करेगा ये नंबर कितने आ रहे हैं, लेकिन बच्चे क्या होते हैं कि जब नंबर कम आते हैं ना वहाँ पे तो खुद को ड्रीम वर्लाइज वहाँ पे छोड़ देते हैं कि अरे यार नहीं करना, नहीं हो पाएगा। तो भाई आपने तो उसको टेस्ट से कंपेयर किया ना, तो टेस्ट से कंपेरिजन थोड़ी ना करना है, आपको तो मेन एग्जाम को देखना है कि मेन एग्जाम में लेवल क्या होगा, जो कोई नहीं जानता लेवल कैसे होगा, बट एक प्रिडिक्शन जा सकता है कि ऐसा ऐसा होता है और उसी प्रिडिक्शन बेस पे क्या होता है एक प्रकार से पेपर सेट भी होता है वहां पे, और आपका जो कॉन्फिडेंस जब अंदर से बिल्डअप होता है वहां पे टेस्ट को देख के, तो वही कॉन्फिडेंस जो होगा आपको एग्जाम क्रैक करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा, है ना। तो एग्रीकल्चर को अच्छे से कंप्लीट कीजिए, वहाँ पे जो भी सिलेबस में दिए गए हैं उस सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट करना, ध्यान रखना है फिजियोलॉजी जेनेटिक्स वगैरह इनको भी अच्छे से कंप्लीट करके रखना वहाँ पे, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है वहाँ पे, एग्रो हुआ, सॉइल हुआ, हार्टिकल्चर हुआ, ये सारे के सारे सब्जेक्ट जो रहते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है वहाँ पे, है ना। और उसके बाद सी सेट में मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, अपने अंदर खुद को एक करेज लाइए वहाँ पे, क्योंकि ये 45 दिन है, गिने चुने दिन बचे, अब गिने चुने दिन रहेगा वहाँ पे, यूँ जाएंगे पता भी नहीं चलेगा कि 45 दिन वहाँ पे कैसे चलेगा वहाँ पे, ठीक है। तो होपफुली मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, यदि वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उसको, और अगला वीडियो आप किस पे चाहते हो वहाँ पे इसको सिर्फ आप ही फॉलो कीजिए वहाँ पे, यदि आप कोई और यहाँ पे प्लानिंग स्ट्रेटजी चाहते हो तो नीचे कमेंट में मेरे को ड्रॉप कीजिए वहाँ पे, उसके ऊपर मैं वीडियो बना के लाऊंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।